इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही नेटो की फौज यूक्रेन की मदद के लिए जंग में उतर सकती है। यह दावा नेटो के पूर्व महासचिव के हवाले से किया गया, जिन्होंने इस बात का इशारा किया कि नेटो के सदस्य देश जंग में उतरने का मन बना चुके हैं। नेटो के पूर्व महासचिव के मुताबिक रूस पर धावा बोलने के लिए नेटो की फौज पोलैंड की अगुवाई में उतरेगी, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है और उसे इस बात का डर सता रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद उसे भी निशाने पर ले सकते हैं। और माना जा रहा है कि पुतिन के इसी डर की वजह से नेटो जंग में उतरने का फैसला ले सकता है, क्योंकि पोलैंड नेटो का सदस्य देश है और अगर उसे खुद को बचाना है तो इस जंग में रूस का हारना जरूरी होगा, जो बगैर नेटो के मुमकिन होता नहीं दिख रहा। इधर लखनऊ में एक नाबालिग लड़की की हत्या से गुस्साए परिवार ने विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दो पक्षों में हुई मारपीट में उस नाबालिग की मौत हो गई। उस लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर गुस्साए उस नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, जिन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और सड़क पर बैठकर खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस की उन लोगों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक गाड़ी में भरा और थाने ले गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। इस बीच सूत्रों के मुताबिक भारत को जल्द अमेरिका से बख्तरबंद गाड़ियां मिलने वाली हैं। कुछ दिनों पहले दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच मुलाकात हुई थी और खबर है कि इसी मुलाकात में अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर बख्तरबंद गाड़ी भारत को देने की पेशकश की। और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अमेरिका की ये शक्तिशाली बख्तरबंद गाड़ी भारत को मिलने वाली है, यानी अमेरिकी सेना की ताकत बढ़ाने वाली ये बख्तरबंद गाड़ी अब भारत की सेना की ताकत बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसकी तकनीक भी साझा करने की बात कही है। के बाद भारत ऐसी बख्तरबंद गाड़ी का निर्माण भी कर पाएगा। इस बख्तरबंद गाड़ी को अभी अमेरिका और कनाडा मिलकर तैयार करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के बाद इसका निर्माण भारत में भी होगा। अभी ये बख्तरबंद गाड़ी रूस के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। उधर रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने उसके एक शहर पर ड्रोन से हमला कर दिया। दावा किया गया कि करीब 180 किलोमीटर रूस की सीमा के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन से उस शहर को निशाना बनाया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के ड्रोन ने उसके शहर में घुसपैठ की। बताया गया कि जेलेंस्की के ड्रोन ने कुछ इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो हमले कर पाता उसे ढेर कर दिया गया। असल में जंग की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन पर उसकी सीमा में ड्रोन से हमले करने का आरोप लगाता आया है। बॉर्डर के करीब वाले कई हिस्सों में धमाकों की खबरें भी सामने आती रही, जिसके लिए रूस ने हमेशा यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यूक्रेन ने हर बार रूस के दावे को खारिज किया। लेकिन इस बार जब उस पर आरोप लगे तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि घरेलू झगड़ों से परेशान होकर पत्नी ने अपने दुपट्टे से पति की गला घोटकर हत्या कर दी और दुपट्टे को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली उसने तुरंत आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वारदात तब हुई जब महिला का पति सो रहा था, लेकिन आरोप है कि इस दौरान उस महिला ने अपने दुपट्टे से अपने पति का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरोपी महिला ने अपने दुपट्टे को जलाने की कोशिश भी की। इसी दौरान आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। के बीच में घरेलू कलह था, लगातार आपस में लड़ते झगड़ते थे। हालांकि बताया गया कि महिला के मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पुलिस मामले की जांच में जुट गई।